Aries, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Aries, जिनकी राशि जिनका zodiac sign Aries है. मेष राशि के जातकों का 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा, 15 डेज में उनके साथ क्या क्या होगा, उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिनकी राशि Aries है, ये मैं जानना चाहूँगी अपने कार्ड के थ्रू. मेरे आसपास जो कभी दीवान एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि एरीज राशि के जातकों का 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा. मेष राशि के जो जातक हैं उनका 1 जून से 15 जून तक का समय कैसा जाएगा, उनके साथ क्या क्या होगा और क्या मैसेज है उनके लिए जिसकी वजह से वो अपना 15 डेज अच्छे से गुजार सकें और क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए. मैं अगर एरीज राशि के जातकों की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड उनका और सेकंड कार्ड भी उनका जून के महीने का 15 डेज शुरुआत के जो जून के हैं वो थोड़े से जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डिसीशन आप लेंगे वो आपका हो नहीं पाएगा. आपका शायद कोई काम आप सोच रहे होंगे कि शायद ये काम हो जाए और मैंने ये काम इम्प्लीमेंट किया, या जो लोग बिजनेस नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ अभी इस वक्त नया डिसीशन नहीं लें. और कोई जैसे कंपनी में कोई प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट करना है या कोई भी नई चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है या आपको कोई हॉबी शुरू करनी है, घर में अगर आप एक वाइफ हैं, एक घर चलाती हैं, अपना हाउस मैनेजमेंट का काम, अभी फ़िलहाल जो भी डिसीशन घर से रिलेटेड भी अगर आपको लेने हैं तो इस वक्त बिल्कुल टाल दीजिएगा, क्योंकि वो पूरे तो नहीं हो पाएंगे. और जब वो पूरे नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है कि आपके किसी के साथ इशूज़ हो जाएँ, झगड़े हो जाएँ. और कोई जना जो है आपको यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कोई जना आपको यहाँ पे बीटिंग का कार्ड आया हुआ, दैट मीन्स कोई मारना भी चाहेगा. तो इस तरह की फीलिंग अगले जने की हो सकती है, हो सकता है वो आप पे हाथ ना उठाए लेकिन उसकी फीलिंग ऐसी आएगी कि इससे झगड़ो इस चीज़ के लिए, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. कोई अगर काम आपका नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए 15 डेज के लिए, बाद में उसको कोशिश कर लीजिएगा. किसी चीज़ में विन करना चाहेंगे, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप चाहेंगे कि मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं हो रही है तो मुझे जो है ये काम करना ही करना है. हर हाल में पूरी दम लगाएंगे, आप बहुत हार्ड वर्क करने की कोशिश करेंगे 15 डेज में. अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हो सकता है कि आप इस वक्त जो है चीज़ों को बहुत ही जजमेंटल फॉर्म में लें. दैट मीन्स कुछ ऐसा आप चाहेंगे अपने साथ ही, मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उसको पाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे. जैसे होता है ना ऑफिस में कलीग्स में कंपटीशन होना आपस में, जैसे होता है ना कि घर में अगर आप एक वाइफ या अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ दिखा रहा है कि आप किसी से कम्पीट करने की कोशिश भी कर सकती हैं, किसी से कम्पटीशन होना, जैसे कि होता है ना कंपेरिजन हो जाता है कभी कभी घर में, तो आप और अच्छा करने की कोशिश करती हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसे नहीं गलत हो सकता, मुझे अपने इमेज को अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करना है. तो इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर नहीं प्राप्त हो पा रही है तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि झगड़ा कर बैठे या इशूज़ हो गए, इस तरह की चीज़ रहेगी. जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स कि आपको इस वक्त अपने साथ बहुत जजमेंटल होकर चलना होगा. आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कॉन्फिडेंट तो रहेंगे अपने काम को करने के लिए, लेकिन कहीं आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, अगर आपको लगता है किसी के वजह से नहीं बन पा रहा है, कोई जना आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे झगड़ बैठे, उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए. और किसी के साथ गलत मत करिएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखिएगा. नेगेटिव अगर रखेंगे तो आपके साथ वही है ना कि जैसा आप करेंगे वैसे ही फिर आपको भविष्य में आपको भरना भी पड़ेगा. तो एक्शन जैसा आप एक्शन करेंगे वैसे रिएक्शन प्रकृति आपके साथ करेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ये कारण यहाँ ये बताता है कि कोई जना आपके साथ, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ ही दिखा रहा है, कोई जना अगर आप सिंगल हैं और मेल हैं या फीमेल हैं और सिंगल हैं तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि कोई जना आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, आपसे घुलने मिलने की कोशिश कर सकता है. फ्रेंड सर्कल में हो या कॉलोनी में कहीं आप जहाँ भी कहीं रहते हैं तो, या आपके रिलेटिव्स में कोई जना, तो कोई जना आपसे बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करेगा. मतलब होता है कि ना कि एक
बहुत ही फ्रेंडशिप एक व्यवहार रखना और सारी बातें जो है उगलवा लेना और सारी बातें जो है जान लेना घर की और आपकी भी पर्सनल चीज़ों पे भी जो है वो सारी चीज़ों को निकलवा लेना अपने अंदर जान लेना, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना। ध्यान रखिएगा ऑफिस में भी आप अगर इस तरह की चीज़ हो रही है थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, एकाध लोगों से जो जिस पे आपको विश्वास है उसी पे उसी से कॉन्टैक्ट में आइएगा। अदरवाइज़ जो मैरिड कपल्स हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि जो मेल हैं या फीमेल हैं हस्बैंड वाइफ को अपने साथ लॉयल रहना है और किसी और के संपर्क में नहीं आना होगा। ये चीज़ एक ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि हो सकता है कोई जना आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करे, उससे आप थोड़े से बच के रहिएगा। आखिरी जो लास्ट कार्ड आया है ये एक अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको इस वक्त अगर आप ये सब प्रिकॉशन अगर लेते हैं तो जून के मिड में आपको लव और अफेक्शन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। कहीं से लोग जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं आपसे जैसे होता है ना प्यार पाने के लिए या फेमस होने के लिए, तो वो आपके मुंह से तारीफ सुनना चाहेंगे अपनी, तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके रिश्ते आपके अच्छे होंगे। फील्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं कंपनी में, तो कई बार ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लव और फेम आपको मिलेगा अपने ग्रुप सर्कल में, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि नेबरहुड में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी आपको लव और फेम आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा और इश्यूज़ मत क्रिएट करिएगा। सबसे पहला कार्ड यही आ रहा है, मैसेज कर रहा है कि कोई डिसीशंस, कोई बड़े डिसीशंस अगर आप लेते हैं तो पूरे नहीं हो पाएंगे अभी फ़िलहाल, और जब नहीं होंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैं अदर कार्ड से भी जो है आपका देख लेती हूँ कि क्या मैसेज है आपके लिए, आपके लव मेट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फोर कार्ड्स आपके लिए निकाले हुए हैं। इसमें फोर कार्ड्स में यहाँ मैसेज कर रहा है एंजल्स की तरफ से, ये मैसेज है कि जो फर्स्ट कार्ड आया था वो ये कह रहा है कि इस वक्त आप अपने अंतरात्मा की सुने। जो भी डिसीजन आपको अगर लेना है, अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं हो सकता है पूरा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए इसको छोड़, जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको अपने इस वक्त अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। क्या होता है ना कि कभी कभी हम अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उसको हम छोड़ देते हैं और अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, तो इस तरह की चीज़ मत करिएगा, इससे आप सावधान रहिएगा। ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से, ये कार्ड ही बताता है कि आप इस वक्त किन्हीं चीज़ों पे, जैसे मैंने बोला ना कि लव और फेम का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको इस वक्त जो भी काम आप अपने जैसे होता है ना रिलेशन में करेंगे अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, तो हो सकता है कि रिश्ते बनाने में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो हल्की फुल्की बातचीत करके अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं आप अपना रिश्ता कायम कर सकते हैं। ये कार्ड्स केवल लव के लिए हैं, लव मेट के लिए हैं। जो लोग सिंगल हैं कोशिश कर सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना रिश्ता कहीं ना कहीं बना सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। और जो नेक्स्ट कार्ड है, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक थिंग्स पे बहुत ज़्यादा आपके फोकस रहेगा। जैसे होते हैं ना भौतिक चीज़ें, जैसे कि मुझे जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, जीवन को अपने लाइफ को जो है सर्वाइव करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त करना, जैसे एक अच्छा घर मिल जाए या अच्छे एक गाड़ी मिल जाए, या अगर आप स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको लगेगा कि मुझे अच्छे से जो है वो किताबें बढ़िया बढ़िया मिल जाएँ तो मैं अच्छे से पढ़ लूँ। इस तरह की भौतिक चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे कहीं ना कहीं आपको ये भी लग सकता है कि ऐशो आराम की चीज़ें जो हैं आपको चाहिए, इस तरह की आपके माइंड में रहेगा। इंजॉय करिए भौतिक चीज़ों, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप डाइवर्ट कर लें। कि ये कार्ड ये भी कह रहा है, जो फर्स्ट कार्ड था जैसे कि हमने बताया, ये कार्ड साफ मैसेज कर रहा है कि अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड ये कह रहा है कि अपने जो पिछले आपने जो भी काम किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है अभी तक, वो हो सकता है इन 15 दिनों में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े। दैट मीन्स कि कोई अगर आपको फैसले लेने हैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, कोई प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप, तो पिछले जो आपने एक्सपीरियंस आपका जो है, जैसे होता है ना वर्क एक्सपीरियंस,
कंपनी में जैसे पूछा जाता है ना कि आपका पिछला एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, इस तरह की चीज़ आपके साथ हो सकती है। घर में अगर हाउस वाइफ हैं तो पुरानी चीज़ों को भाप के अच्छे से डिसीजन ले करके तब आप किसी चीज़ पे जो है आप फैसले लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, सोचिएगा इसके बारे में कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो इस तरह की चीज़ रहेगी। पिछला ज़रूर आप एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि ये चीज़ पिछली मैंने इस तरह से, अगर आपका नेगेटिव अगर आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस था तो हो सकता है कि आपको जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड था तो हो सकता है कि आपको पॉजिटिव आपको मिले। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ये एक रोशनी डाल रहा है आपके पिछले उस पर, पिछला जो पास्ट जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आप अपना आगे प्रोसीड करिएगा आगे के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि पिछला जो भी जस्ट ना प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर होते हैं उनको पहले आप पहले सॉल्व करिएगा, तब आपको की संभावना है कि एग्ज़ाम अगर आप जो भी देने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए साफ साफ है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा, यहाँ एंजल्स की तरफ से यहाँ यही मैसेज है। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर एरीज। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।